हम देखेंगे 6 जूते 3 मीशो से 3 शॉपसी से 200 से स्टार्ट होकर 500 तक जाएंगे एंड लेट्स चेक कि इतने सस्ते प्राइस में बेस्ट जूता कौन सा प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है। ऑलराइट, पहला जूता आता है हमारा भाई मीशो से। पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी हमें मिल गई, लकीली हमेशा ऐसा होता नहीं है और अंदर में आपको प्लास्टिक पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। पहले आपको बता दूं जूते में जो भी कमियां जो भी बुराइयां या जो भी इंप्रूवमेंट्स मैं बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बल्कि सेलर्स के लिए होता है। प्लेटफॉर्म में बस चीजें बिकती है। पूरा जूता ही यहाँ पर कैनवस का बनाया गया है, एकदम सही कॉन्वर्स का जूता लगता है। कैनवस जिनको नहीं समझ में आता, बेसिकली कपड़े की पूरी बॉडी होती है। स्टिचिंग्स की आपको बहुत सारी डिटेलिंग्स देखने को मिल जाएगी। नायलॉन का यहाँ पर आपको लेस मिलता है जहाँ पर कॉटन का होना चाहिए था और मेटल के यहाँ पर आपको आईलेट्स मिल जाएंगे। साइड में वेंटिलेशन के लिए 2 मेटल के होल मिल जाएंगे दोनों ही साइड में। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग डिसेंट है लेकिन इनसोल भाई एकदम पत्थर माफिक फील होता है। मतलब प्लास्टिक ज्यादा और रबर कम वाला आउटर सोल देखने को मिलेगा। जहां पर सच बताऊं तो इसमें फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना वो पूरी पेंटेड है। एंड ओवरऑल एक वर्ड में सीधे ही बताऊं तो इस पूरे वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट जूता अगर आपको चाहिए ना, दिस इज द वन। बहुत ही वर्सेटाइल स्नीकर है, ऑलमोस्ट हर आउटफिट्स के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो। और सबसे बवाल है भाई इसकी प्राइस, क्योंकि ये महज 300 रुपए का जूता है। ऑलराइट, अरे यार शॉपसी का पहला जूता गया हमारे पास में। ये देखो डब्बे की हालत, यही हम बोलते हैं अगर अच्छा डब्बा मिल जाए ना तो खुद को लकी समझना। प्लास्टिक में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर का पूरा स्नीकर है। पूरी बॉडी आपको रेक्सीन मटेरियल की देखने को मिलेगी। बचपन में याद है हमारे स्कूल शूज होते थे ब्लैक वाले, वो किस मटेरियल से बना होता था, एग्जैक्ट वही मटेरियल है। मेटल के आपको आईलेट्स देखने को मिल जाएंगे, नायलॉन का आपको लेस देखने को मिलेगा, साइड में आपको स्टिचिंग्स की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग ठीक ठाक है ना के बराबर, ब्लैक कलर की लाइनिंग की गई है और अगेन इनसोल में जीरो पैडिंग के साथ आता है। बस ऐसा ना ऐसा पतरी जैसा लग रहा भाई देखने में और ऊपर लिखा हुआ है फैशन। आउटर सोल इसका पूरा चीप रबर का बना हुआ है और जितने भी ऐसे सस्ते शूज होते हैं ना उसके आउटर सोल का जो कलर होता है ना वो पेंट के थ्रू लाया जाता है। जूते के बैक साइड में आपको ब्लैक कलर की अजीब सी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी एंड जो पिक्चर में हमने जूता देखकर मंगाया था ना वो इससे थोड़ा सा ज्यादा हाई टॉप, ब्लैक मेटल के आईलेट्स और अंदर में व्हाइट कलर की लाइनिंग के साथ था जो कि अब यहां पर नहीं है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। ये जूता महज आपको 300 रुपए में मिल जाएगा लेकिन ट्रस्ट मी इसको खरीदने से अच्छा ना मीशो से कुछ कपड़े खरीद लो, कुछ शर्ट्स खरीद लो, कोई पैंट खरीद लो। अब जूते जैसे चीज को 300 में लाने जाओगे ना तो वो जूता नहीं, कमेंट में बताओ। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पैकेज आपका दिमाग घुमाने वाला है क्योंकि हम 500 में एक अच्छा जूता खोजते हैं भाई। मीशो के अंदर में 500 से भी कम में आपको 2 जूते मिल रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या मिल रहे हैं। प्राइस को घटाने के लिए इन्होंने बॉक्स कोई ऑफर ही नहीं किया, सीधा प्लास्टिक में बांधा और ले लो चॉकलेट। फर्स्टली अगर फर्स्ट जूते की बात करें, नेवी ब्लू कलर का पूरा जूता है और काफी ज्यादा हैवी फील हो रहा भाई। कागज को निकालकर एग्जैक्ट वेट जो है वो आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और पूरा इसका जो आउटर सोल है ना एकदम भाई पत्थर जैसा है। पूरी बॉडी आपको इसमें निटेड फैब्रिक की देखने को मिल जाएगी, थोड़ी मोड़ी आपको प्रिंटिंग के थ्रू यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। साइड साइड की पैडिंग ना के बराबर है, इनसोल राउंड आपको लेसेस देखने को मिल जाएंगे, बैक में आपको एक पुल टैब देखने को मिल जाएगा और आउटर सोल पूरा ग्रे कलर का है, रबर पत्थर जैसा है। एंड ये जो लाइट ब्लू डार्क ब्लू वाला आप कलर देख रहे हो ना ये पेंटेड है। नीचे की तरफ में आपको हल्के हल्के ग्रूव्स देखने को मिल जाएंगे। अंदर की जो फिनिशिंग है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब जो एक्स्ट्रा लेयर्स होते हैं ना वो अंदर में टच करने से ऐसा फील हो रहा है। आउटर सोल के मटेरियल की बात करें ना तो ये आपको ऐसा रबर जैसा फील होगा लेकिन इसमें ना ज्यादा से ज्यादा मात्रा ना प्लास्टिक या पीवीसी की होती है, दोनों सेम बात है। एंड ओवरऑल जूता ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से देखोगे ना तो वो 200-250 रुपए में आप क्या ही बना दोगे। नेक्स्ट वाले अगर जूते की बात करें सेम वही कहानी है इसके भी, पीवीसी का पूरा आपको आउटर सोल देखने को मिल जाएगा, पेंटेड सारी डिटेलिंग्स आपको देखने को मिलेगी, पूरी बॉडी आपको निटेड फैब्रिक की मिलती है, थोड़ा सा ऐसा स्टिफनेस जैसा आपको फील करवाएगी। साइड साइड की पैडिंग, इनसोल की पैडिंग, बैक में आपको पुल टैप मिल जाएगा और रेक्सिन के पैचेस के थ्रू डिजाइनिंग मिल जाएगी। दोनों जूतों को अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में पिक्चर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या बेस्ट डील मिल रही है, लेकिन जो रियल स्टोरी होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है और इसमें प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं, सेलर्स का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, ये जूते बिल्कुल भी अच्छे या पहनने योग्य नहीं है। लोग पहनते हैं मजबूरी में या क्या रीजन है वो नहीं पता, लेकिन ये दोनों जूते आपको 450 के अंदर में मिलेंगे। प्राइसेस थोड़ी मोड़ी फ्लक्चुएट करती है, बस मैं ये वीडियोस इसलिए बना देता हूँ ना ताकि थोड़ी आपकी बुद्धि खुल जाए, इन चीजों के पीछे आप मत भागो और बेटर प्रोडक्ट्स देखो। शॉपसी का जूता आ गया हमारे पास में और क्या मुखड़ा देखना चाहोगे।
मीशो में जो जूता मिला वो भाई शॉपसी में भी मिल रहा था। मैंने सोचा मंगा कर देखते हैं कुछ अलग होता है या वही माल इधर भी उधर भी। भाई एग्जैक्ट सेम ही चीज वहां पर भी मिल रही है, वही फैब्रिक, वही कुशनिंग, वही आउटर सोल वाला घटिया सा मटेरियल और पैरों में पहनने के बाद भी वही लगता है। मतलब अगर एक साथ देखोगे ना तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि कौन बड़े भाई का कौन छोटे भाई का। ओवरऑल इसमें भी पहनने में उतना मजा नहीं आता, हालांकि इसके लिए हमने थोड़ा सा ज्यादा 248 रुपए पे किया है। एक चीज बस मुझे डिफरेंस क्या दिखी कि मीशो वाले में जो साथ में आया था जूता उसमें पेंट की फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी, इधर उधर फैल रहा था। शायद इसीलिए वो एक जूते के साथ दूसरा जूता भी डाल देते हैं और वो फिनिशिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लगा। ऑल्दो इसकी भी फिनिशिंग वैसे बहुत तोड़ नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन का जूता आ हमारे पास में, डब्बा वब्बा ठीक ठाक, अंदर में प्लास्टिक की पैकेजिंग। ये जूता देख लो भाई, वैसे पिक्चर के हिसाब से ना ठीक ठाक जूता लग रहा है। मल्टीपल आपको कलर देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर की मेन पूरी बॉडी है जो कि निटेड फैब्रिक से बनाई गई, और जितने भी आपको कलरफुल पैचेस दिख रहे हैं वो सारे रेक्सिन के हैं, ऐसा मरियल जैसा फील होते हैं। राउंड शेप में आपको लेसेस देखने को मिल जाएंगे। टंग की क्वालिटी इसमें अच्छी है, ऊपर में आपको टंग में एक पैच मिल जाएगा स्पोर्ट्स लिखा हुआ, ये नहीं लिखते तो भी ज्यादा अच्छा होता। और बैक में आपको एक पुल टैब मिलता है। साइड साइड की पैडिंग ना के बराबर है लेकिन ठीक है, और इनसोल थोड़ा ऐसा वाला इसमें फील हो रहा है। आउटर सोल की बात करें तो पूरा ग्रे कलर का है, और एकदम ही बीच में आपको एक ब्लैक कलर का पैच मिलेगा जहां पर लिखा हुआ DZXX। इसका क्या मतलब है वो नहीं पता, लेकिन ये पूरा आउटर सोल भाई आउच, पूरा हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, अच्छा लगेगा आपको देखने में क्योंकि वो कैमरे में है, लेकिन जब तक भाई का ट्रस्ट, भाई का भरोसा, जब तक वो सारा चाट मसाला बीच में नहीं आ गया ना, तब तक वो दही भल्ला दही बड़ा आपको मजा नहीं आएगा खाने में। इसका आपको एक्स्ट्रा कलर एक देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग 400 रुपए है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आ गया मीशो का जूता, और यहाँ तक पहुंचते आपको रिजल्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या है। अंदर में आपको प्लास्टिक की पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी, और ये एक हाई टॉप जूता है भाई, ऐसे देखोगे तो क्या जबरदस्त लग रहा है। ऐसी बहुत सारी मैनिपुलेशन के साथ ना ये सारी चीज आपको ऐसा चपकाई जाती है, लेकिन हम मेहनत करते हैं कि आपको इंटरनेट पे सही चीज मिले। इसकी ओवरऑल फिनिशिंग थोड़ी सी ठीक है, पूरी बॉडी आपको रेक्सिन की देखने को मिल जाएगी। इनके मटेरियल्स में क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लग रही है। फ्लैट टाइप आपको लेसेस देखने को मिल जाएंगे। टंग आपको बड़ा सा मिल जाता है, वेल पैडेड है। साइड साइड की पैडिंग ठीक ठाक है, और इनसोल वो नहीं बदला। आउटर सोल इसका पीवीसी का ही बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट है, और ये भी पूरा पेंटेड है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा चलने या रगड़ खाने के बाद ना वो पेंट निकलता है, फिर दिखता है, फिर क्या दिखता है, गंदा। आउटर सोल के बीच में आपको Y8 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जिनको नहीं पता, Y3 एडिडास ओरिजिनल्स का एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है, जिसके हिसाब से ये कहीं से भी वैसा लग नहीं रहा। और ये जो बीच वाली हुई वाली डिजाइनिंग है ना, हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, वो नाइकी जैसा दिख रहा है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। इसका आपको एक एक्स्ट्रा कलर भी देखने को मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपको वो चाहिए वो ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग 400 रुपए के आसपास की है। इस प्रोडक्ट के लिए आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ वो बस फोटोज के लिए या फिर कुछ देर पहनने के लिए बेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा है, बवाल रिव्यू अच्छी लगी, मेक श्योर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।